दोस्तों यू तो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की इस साल की इकलौती मूवी जरूर है, लेकिन साथ ही साथ मल्टीवर्स के दरवाजे और मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट को भी हमें इजीली समझाने वाली है, जस्ट लाइक इन्फिनिटी सागा की तरह। लेकिन क्या ये संभव भी है ईशान? क्योंकि डायरेक्टर का ये कहते ना कि डेडपूल एंड वुल्वरीन से पहले आपको कोई भी मूवी देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा ये चूतिया बना रहा है साला। क्योंकि अगर तुम खुद सोच के देखो, डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी कई बार रीशूट्स के लिए जा चुकी है अपने कैमियो के लिए, तो ऐसे में अगर तुम्हें कैमियो के बारे में जानकारी ही नहीं है तो तुम्हें मूवी देखने में क्या ही मजा आएगा साला। लेकिन फिकर नॉट, आई एम हियर क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसे कैमियोस के बारे में जो कि प्रोबेबली तुम्हें इस मूवी में देखने ही मिलने वाले हैं। यहां पे पहले नंबर पे आता है गंजा खोपड़ी जो कि दिमाग से है शक्तिशाली लेकिन करता है डिस्को डेंसी। नंबर टू पे आता है एक एंटी विलन जिसका नाम है मैग्नेटो एंड जिसके पास है मैग्नेट की शक्ति, एंड ये एक नंबर का हरामी बुड्ढा। वहीं पे आता है तीसरे, ये मासूम सी बच्ची, लेकिन इसकी मासूमियत पे मत जाओ क्योंकि इसके पास है दो गंजा, क्योंकि इसके बाप का नाम है वुल्वरीन चचा, एंड ये है वुल्वरीन चचा जिसके लिए तुम मूवी देखने जा रहे हो, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ बंदा खुद भी कटवा रहा है साला। एंड पांचवा आता है वो बंदा जो कि वुल्वरीन के साथ कांटे की टक्कर कर रहा है, जिसके आंखों में जादू नहीं बल्कि आंखों में लेजर भरता है, लेकिन साला बंदी से फंसा है, जिसका नाम है जीनिया जो कि दो लोग का ऑलरेडी काट रही है, जिसका नाम है अपना वुल्वरीन एंड इसका नाम है साइक्लोप्स, तो दोनों अपना कटवा रहे हैं इस बंदी से क्योंकि ये बंदी समन कर सकती है डार्फिनिस को, इसलिए इसके सामने मत जाना। एंड काइंड ऑफ तुम्हें मूवी में देखते हुए मिल जाए कि प्यार की शक्ति इज इक्वल टू भाड़ में गई दुनिया। लेकिन खैर अब हम बात कर लेते हैं अपने थ्योरीज के ऊपर, जहाँ पे मेरी पहली थ्योरी आती है कि काहे पैराडॉक्स वुल्वरीन को लतियाया जा रहा है और वो सुने क्यों जा रहा है साला। जहाँ पे सीधी सी बात कहूं तो यहाँ पे आती है दो थ्योरीज, जिनमें से पहली आती है एक्समैन द लास्ट स्टैंड को लेकर, जहाँ पे ऐसा दिखाया गया था कि अपने जो वुल्वरीन चचा है उसने जिनिया को मारकर पूरे विश्व को बचाया, लेकिन किसी और यूनिवर्स में ठीक हुआ इसका उल्टा, जहाँ उसने बोला मुझे तो चाहिए प्यार भाड़ में गई दुनिया, तो भैया डार्फिनिस ने बचाया कैओस, जिसके चक्कर में ये हो गया अकेला दुखेला चुकेला। लेकिन अब आती है मेरी दूसरी थ्योरी जो कि फिट बैठती है लोगन कॉमिक्स पे, जहाँ पे हुआ ये था कि अपने महाशय किसी के वश में आकर एक्समैन की बजा देते हैं बैंड, लेकिन जैसे आता है इनको होश तो ये हो जाते हैं अकेले दुकेले, मन से हार मान जाते हैं। एंड दोनों ही थ्योरी के हिसाब से इनका सबकॉन्शियस माइंड भी काइंड ऑफ ये मान लेता है कि हम हार मान चुके हैं साला, जिसका असर तुम ट्रेलर के अंदर भी देख सकते हो। तो यार ये थी मेरी दो थ्योरी जो कि फिट बैटरी है मेरे हिसाब से। बाकी तुम्हारा क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख देना या पर्सनली चैट कर सकती हो इंस्टाग्राम पे। चलो फाइनली बात करते हैं अपने डेडपूल एंड वुल्वरीन की कंप्लीट स्टोरी लाइन के बारे में, जहां पे मेरी थ्योरी स्टार्ट होती है डेडपूल के हैप्पी बर्थडे टू यू, जिसके पीछे हमें दिखाया जाता है एक शॉर्ट हिस्ट्री जहां पे अभी डेडपूल के साथ हुआ है बहुत सारे कांड, जहां पे उसने खोया अपना बच्चा जिसकी वजह से इसके रिलेशन में आई खटपट, जिसकी वजह से वो अकेला तो अकेला चुकेला, लेकिन पापी पेट की वजह से और डिस्टर्ब माइंड की वजह से इसने खो दिया अपना सुपर हीरो जॉब, लेकिन पकड़ लिया मजदूरी वाली जॉब जिसकी वजह से हो गया और भी ज्यादा डिस्ट्रेसफुल। क्या तुम जान ही रहे हो कि जब इंसान डिस्टर्ब रहता है माइंड से तो वो कुछ भी नहीं कर पाता है, एंड काइंड ऑफ जब आता है उसके पास एक ऐसा मौका जहां उसकी फैमिली रियूनाइट हुई है तो वो खुश है, लेकिन यहाँ उसकी बंदी कह रही है कि मांग लो ना फिर जो तुम मांगना चाहते हो, एंड वो बोलता है फूक कि मैं बन जाऊं वापस से डेडपूल, एंड ढक ढक यहाँ पे आता है वो जो उसको ले जाता है पैराडॉक्स के पास, एंड पैराडॉक्स उसे समझाता है मल्टीवर्स के चोचले कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है मल्टीवर्स में जिसकी वजह से काइंड ऑफ उठा लिया गया उसे घर से। पैराडॉक्स डेडपूल को ये बताता है कि तुम्हारा यूनिवर्स खतरे में है वेड एक गंजी खोपड़ी की वजह से, क्योंकि उसने कब्जा कर लिया है वॉइड पे, एंड अगर वो वाइट का कब्जा वापस से टीवी के पास नहीं आता तो पूरे मल्टीवर्स में खलबलियां मच जाएंगे एंड काइंड ऑफ यूनिवर्स भी मिट जाएंगी, जिनमें से तुम्हारा भी एक है। जहाँ पे ये सुनकर डेडपूल कहता है कैसे कैसे यार मैं करूंगा तुम्हारी मदद और उस गंजी खुबड़ी करूंगा चिंग चिंग, इसी बात पे रिश्ता डन एंड टूट जाता है वो मल्टीवर्स के दरवाजे पर, जहाँ पे वो पहले ढूंढने जाता है वुल्वरीन को कई सारे यूनिवर्स में, जहाँ मल्टीवर्स की वुल्वरीन उसको मिलते तो है लेकिन वो अपने काम में बिजी है, एंड इसी के चक्कर में वो हार फेल के चले जाता है वॉइड पे, जहाँ पे वो गंजी खुबड़ी से अकेले लड़ना तो चाह रहा था अकेले, लेकिन मिल जाता है इसका अकेला अकेला हारा मानने वाला अपना वुल्वरीन चचा, जिसकी थ्योरी में अभी अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वही ले सारे कांड इसके साथ हुए जहाँ पे एक बार में बैठकर काफी सारे चोचले कर रहे हैं। एंड ऑफ ये वही बार है जो कि तुम्हें स्पाइडरमैन 2 मूवी में देखने में मिला था, जो कि पुरानी वाली है अपने टोबे मैगियोर वाली, जहाँ पे हुआ ये होगा कि अपने स्पाइडरमैन टाइम पे पिज्जा डिलीवरी कर देता है, जिसकी वजह से ये टीवी वाले इसी को प्रयोग कर देते हैं, लेकिन हिम्मत देखो इस बंदे की वॉइड के अंदर ही अपना बार शुरू कर दिया लेकिन करेंसी क्या लेता है। लेकिन खैर अब बात करते हैं अपनी स्टोरी लाइन की आगे क्या हुआ, तो यार काइंड ऑफ यहाँ पे वुल्वरीन किसी रीजन की वजह से भी होश हो गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, एंड इसी मौके को पाकर डेडपूल से ले जाता है टीवी के पास, जहां पे डेडपूल वुल्वरीन को ना सिर्फ एक नया सूट देती है बल्कि डेडपूल को उसके बारे में सब कुछ बताती है, एंड यहां पे वुल्वरीन पहले से ही डिस्टर्ब था लेकिन और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है पैराडॉक्स की बातों को फिर से सुनकर, जहां पे अब डेडपूल को समझ में आ गया है कि काहे ये बुड्ढा इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, एंड इसी वजह से उसको वो मोटिवेशन देता है एंड उसे बताता है कि प्लीज मेरे यूनिवर्स को बचा लो, अपने फैमिली का दिलासा बार-बार उसे देता रहता है, एंड काइंड ऑफ डेडपूल की इस बात को सुनकर और मोटिवेशन के ज्ञान को सुन सुनकर वो पक जाता है और बोलता है कि ठीक है चलता हूं मैं तुम्हारे साथ मुच्ची, लेकिन मत पकाओ मैं।
एंड डीसी के बाद ये लोग जाते हैं जोश के साथ गंजी खोपड़ी से लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ मिलते हैं इनको खूब सारे एक्समैन जो कि इनको रोकते नहीं बल्कि बोलते हैं कि आओ आओ जाओ लड़ो उस बंदी से जाओ। एंड खुलता है एक दरवाजा जहाँ पे गंजी खोपड़ी कहती है वेलकम टू मेरे राजा, जहाँ पे ये दोनों बिना सोचे समझे उस पे हमला करने जा ही रहते हैं, जहाँ पे डेडपूल एक जाल में फंस जाता है वुल्वरीन दिमाग के जाल पे, जहाँ पे वुल्वरीन ठीक वैसे ही करता है जैसे गंजी खोपड़ी कराना चाहती है। एंड काइंड ऑफ जब ये दोनों शांत हो जाते हैं तब वो उन्हें बताती है कि लड़के कितने चूती होते हैं साला। एंड फिर वो बोलती है कि क्या तुम ही थे जो मुझे पहले मरने आए थे, तुमसे पहले कई आए और वो हार मान गए। एंड जहाँ पे काइंड ऑफ हमें चारों तरफ से वुल्वरीन और डेडपूल के कई सारे वेरिएंट्स आते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे डेडपूल एंड वुल्वरीन सबको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ पे कैसेंड्रा ने बताती है कि ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, तुमसे पहले ही पैराडॉक्स ने कई लोग को चूतिया बनाया एंड कई लोग को फिर से मैंने यही सारी कहानी बताई जो कि अब मैं फिर से तुम्हें बताऊंगी। यार कैसेंड्रा की कहानी में हमें ये दिखाया जाता है कि काइंड ऑफ यहाँ पे चार्ल्स और कैसेंड्रा दोनों भाई बहन अच्छे से सब कुछ खेल खेल रहे होते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट में चार्ल्स की मृत्यु हो जाती है, जहाँ पे अभी कैसेंड्रा छोटी ही बच्ची है, जहाँ पे काइंड ऑफ आता है एक दरवाजा और उसे ले जाता है टीवी के बॉक्स ऑफिस पे, जहाँ पे कैसेंड्रा सब कुछ समझ नहीं पाती और ले देखिए वहां से वो भाग जाती है, जहाँ पे वो भागते भागते बाद में इसको पैराडॉक्स पकड़ के कर देता है प्रियून। लेकिन यही होती है सबसे बड़ी गलती क्योंकि यहाँ पे कैसेंड्रा सीख चुकी है कि कैसे कंट्रोल करते हैं किसी व्यक्ति को एंड इसलिए वो एलायथ को कर देती है कंट्रोल। एंड काइंड ऑफ यहीं से वॉर शुरू हो जाती है टीवी वर्सेस कैसेंड्रा में एंड फिर ये बदल जाती है टीवी वर्सेस एक्समैन में। बस कैसेंड्रा यहाँ पे ये भी बताती है कि जितने तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं तुम्हारे वेरिएंट्स, इनके सारे यूनिवर्स को पैराडॉक्स ने एक टाइप से प्रियून कर दिया क्योंकि ये अपने काम में विफल हो गए। एंड हाँ सेम तुम्हारे साथ भी यही होगा वेट, एंड अब तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। एंड इस बात को सुनकर वेट हो जाता है कि क्या बोल रही है कुछ यार। इसी बातों को सुनकर वुल्वरीन और डेडपूल हो जाते हैं तैयार और बोलते हैं कि ले कटाकट पैराडॉक्स, और बस एक खुलता है चक्री जिसको खोला है कैसेंड्रा नोवा ने, मैं बता रहा हूँ साली गुरु मा है गुरु मा। एंड हाँ यहाँ पे लोग कूद कर पैराडॉक्स के पास जा ही रहे होते हैं, जहाँ पे पैराडॉक्स इनके खंजरों पे देखता है खून और सोचता है कि कैसेंड्रा का हो गया थी। एंड इसकी वजह से टीवी वालों कहता है कि जाके मारो सालों को। एंड यहीं पे होती है इसकी दूसरी बड़ी गलती क्योंकि इसे पता ही नहीं कि कैसेंड्रा भी इन्हीं के साथ मिली हुई है। एंड कैसेंड्रा टीवी वालों को एलायथ की मदद से हटा रही होती है और कई सारे एक्समैन भी अब डेडपूल एंड वुल्वरीन की मदद करते हुए उन्हें टाइम डोर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड काइंड ऑफ जो टीवी का टाइम डोर है उसमें 2 मिनट का एक सायरन लगा है एंड जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये टाइम डोर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जहां पे अब डेडपूल एंड वुल्वरीन को किसी भी हालत में उस टाइम डोर तक पहुंचना है क्योंकि उन्हें पैराडॉक्स को मारना होगा। लेकिन इस बार टीवी का खतरा ज्यादा बड़ा है एंड इसीलिए यहाँ पे हमें दिखती है 2015 वाले फैंटास्टिक फोर जो कि आते हैं अपनी उड़न तस्तरी में और डेडपूल एंड वुल्वरीन को अपनी उड़न तस्तरी से सीधा ले जाते हैं टाइम डोर तक, जहाँ पे वो उन्हें छोड़ तो देते हैं लेकिन काइंड ऑफ अभी भी चारों तरफ टीवी के लोग हैं। एंड यहाँ पे आ जाता है अपना लूकी मगरमच्छ वाला जो कि इन सबको ढेर लेता है और मार मूर के अलग कर देता है साला। एंड यहाँ पे फाइनली पहुंच जाते हैं ये दोनों पैराडॉक्स के सामने, जहाँ पे पैराडॉक्स बोलता है कि ये एक ऐसा बटन है जो कि ना सिर्फ इस वॉइड को उठाएगा बल्कि तुम्हारे यूनिवर्स को भी मिटा देगा वेट। एंड जैसे ही वो उसको दबा रहा होता है और बूम लेके होता है सरप्राइज, यहाँ पे अपने डेडपूल की चड्डी के अंदर वही केबल वाली वॉच है जिसको उसने कर दिया था ऑन, जिसकी वजह से ये टाइम फिर से पीछे हो जाता है। अब जैसे ही पैराडॉक्स उस बटन को दबाने जाहिर होता है डेडपूल अपने कटाना से उसके हाथ काट देता है एंड फाइनली यहाँ पे सब कुछ ऑफ हो जाता है। लेकिन अब पर्पल कलर की वाइब आ जाती है पैराडॉक्स के इत्र गिर्द घूमती है एंड एक टाइप से लगता है कि पैराडॉक्स किसी के वश में आ रखा है, जो कि काइंड ऑफ वेड और वुल्वरीन से बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है चूतियो तुम लोगों की वजह से मैं अपने प्लान को बिगाड़ दूंगा। नहीं 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 वेड मैं तुम्हारे यूनिवर्स को मिटा रहा हूं। एंड यहां पे हमें दिखाया जाता है टाइम टीवी के अंदर कि जो वेड विल्सन है उसकी टाइमलाइन काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय होती जा रही है जिसके चलते अब वो बहुत ज्यादा डिस्प्रेस हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ जो इस वॉइड में अभी वो वेड विल्सन और वुल्वरीन और बाकी एक्समैन है वो भी काइंड ऑफ खत्म होती जा रही है क्योंकि यहां पे पैराडॉक्स का खात्मा हो चुका है टीवी का भी। एंड यार इसी पॉइंट पर फैंटास्टिक फोर आती है और बताती है कि काइंड ऑफ हमने ये गैजेट बना रखा है जो कि प्रोबेबली तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स पे चले जाएगी और तुम अपने यूनिवर्स की जितनी फैमिली वन है उनको बचा सकते हो, बस शर्त ये है कि तुम हमारे बच्चों को भी ले जाओ और प्लस वुल्वरीन चच्चा को भी, जहाँ पे अब तुम लोग सेफ रहना और एक्समैन का नाम रोशन करना। एंड इसके बाद दिखाया जाता है कि डेडपूल अपने यूनिवर्स में जा रहा होता है जो कि खत्म हो गई है एंड फाइनली अपनी फैमिली वालों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होकर फाइनली एक टाइम डोर खुल से खोलता है जो कि उनको ले जाती है एंड गेम के एरा के टाइम पर। चुटकी बच चुकी है एंड अब यहाँ पे कोई रह नहीं रहा जिसकी वजह से यहाँ पे ये लोग रहने लग जाते हैं। एंड जैसी एंड गेम वाली वॉर शुरू होती है तो उसमें काइंड ऑफ एक्समैन भी पार्ट होते हैं जिसको हमने उस वार मूवी में नहीं देखा था लेकिन इस बार दिखाया गया। अब आ जाता है तुम्हारे मन में चल रहा क्वेश्चन कि भैया ईशान तुम भूल चुके हो कि जब एंड गेम का
का टाइम चल रहा था तब भी सेकंड टाइमलाइन ही एक्टिव थी जो कि कैंग ने बनाई थी, जिसका सिंपल सा रूल है कि कोई भी अगर टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसे भिड़ना पड़ेगा टीवी वालों से। लेकिन शायद तुम ये भूल चुके हो कि इसमें एक लूप होल भी है, क्योंकि यार मैंने अपनी डेडपूल एंड वुल्वरीन की कंप्लीट स्टोरी टाइमलाइन में ये बताया है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन ने काइंड ऑफ अपने यूनिवर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है एंड तभी वो एंटर हुए हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सीधा एंड गेम के टाइमलाइन में, जहां पे अब इनकी कोई टाइमलाइन नहीं होने की वजह से ये लोग अगर किसी टाइमलाइन में जाते भी हैं तो उस टाइमलाइन में कोई डिफरेंट टाइमलाइन बनेगी नहीं, जिसकी वजह से टीवी को कभी पता चलेगा नहीं। एंड यही होता है लूप होल सेकंड टाइमलाइन का, जो कि काइंड ऑफ मेरे ख्याल से मार्वल एक्सप्लेन करेगी मूवी के अंदर। एंड अब हमें दिखता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहां पे हमें पता चलता है कि असल में पैराडॉक्स को जिसने समन या वश में किया था वो कोई और नहीं बल्कि इमोर्टस है, एंड वो काइंड ऑफ हंस रहा है और बोल रहा है कि वॉर शुरू हो चुकी है। एंड ठीक ही इसके बाद हमें सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां पे अब डेडपूल जो है वो अपनी बुड्ढी से बात कर रहा है एंड काइंड ऑफ केबल की टाइम वॉर से छिड़कानी करके टाइमलाइन में वापस जा चुका है पीछे, जहां पे वो पहुंच गया है मार्वल की फेज 1 पे, फिर मार्वल की फेज 2 पे, फिर मार्वल की फेज 3 पे, फेज 4 पे, और काइंडली उसने मल्टीवर्स पे केओस मचा दिया है जिसका वजह से टीवी को उसका पता लग चुका है एंड काइंड ऑफ मोबियस कह रहा है कि इससे तो मिलना पड़ेगा चूतिया है। ओके यार अभी होता है मेरी वीडियो का एंड, जहां पे मैंने तुम्हें पूरी कोशिश करी कि भैया कंप्लीट स्टोरी लाइन तुम्हें दे सकूं डेडपूल एंड वुल्वरीन में, कि आखिर उसके एंड क्रेडिट सीन, पोस्ट क्रेडिट सीन एंड उसके काइंड ऑफ वुल्वरीन के साथ क्या कांड हुए और क्यों ही अपनी कैसेंड्रा नोवा इस फिल्म की विलन ना निकल के पैराडॉक्स ही निकलेगा, जहां पे मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितने भी इसके अपडेट्स मुझे मिले हैं उससे काइंड ऑफ अच्छी स्टोरी लाइन बनाऊं। तो यार प्लीज इस काम को देखकर अगर तुम्हें जरा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है मुझको। एंड प्लीज यार अपने भी राय मुझे बता दिया करो कमेंट बॉक्स के जरिए, या फिर पर्सनली चैट करने के लिए इंस्टाग्राम पे आओ जहां पे नाम है ईशानो एक्सप्लेन, और जोर से बोलो जय श्री राम।